हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब 20 के एक और वीडियो में। ये है TVS वीगो और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में। तो इस पहले पार्ट में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। सबसे पहले इसका जो इंजन है उसको रिमूव करने वाले हैं। तो जैसा कि हम अपने अधिकतर वीडियोज़ में आपको सेफ्टी के साथ साथ जो बेस्ट वे है कन्वर्जन की वो भी आपको बताते हैं, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। गाड़ी की हालत ओके सॉर्ट ऑफ ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए जो इंजन रिमूवल है वो पहली प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में सबसे इनिशियल प्रोसेस है वो है फ्यूल टैंक को खाली कर देना। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि महीनों से इसमें पेट्रोल की बूंद भी नहीं पड़ी है। एनीवे, पेट्रोल इज़ ओके। अब सबसे पहले हम इसका बूट निकालेंगे। बूट को देख के मुझे TVS जुपिटर की याद आ गई है। उसमें भी दो स्प्लिट बूट हुआ करते थे, एक छोटा हिस्सा ये, बड़ा हिस्सा ये। तो सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को खोल के बूट अलग कर लेते हैं, फिर ये वाला पोर्शन, फिर नीचे का इस तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी जो नट बोल्ट वगैरह हैं इन सबको हम एक छोटी ट्रे में रख लेंगे, ताकि जब हम इसको वापस लगाएं गाड़ी को, कसें, तो प्रॉब्लम ना हो। वो बैटरी वाले ऊपर के नट खुलेंगे पहले। ये वाला पार्ट खोल लो यहाँ से। तो गाइस, इंजन को अलग करने के लिए हमें एक्सीलेटर वायर, ब्रेक वायर और जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, चोक वायर, ये सारी चीज़ें अलग करनी होती है। अब क्योंकि हमें ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही पता हैं, तो छूटते से ही हमारे हाथ जो है वहीं पे जाते हैं। इसको अलग करना है, ये अलग, वो उसी में लगा रहेगा, सुन, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं। वायरिंग पूरी अलग, अब है नहीं वैसे कुछ, एक ये वाला सिस्टम होगा बस, ये कैटलिटिक कन्वर्टर जो लगा ना, बस सुन लो, इसका पाइप है बस वो, तो फिर खोलने के बाद ही पता। ठीक है, तो निकालो फिर। ठीक है, नहीं सही बात है, सही बात है, खुलेगा 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 खुलेगा, सेम जुपिटर है। तो भाई, साइलेंसर को खोलना थोड़ा सा ज़रूरी था, जैसा जुपिटर में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, सेम वही चीज़, सेम जो सेकेंडरी स्विंग आर्म है वो इसमें दी हुई है जुपिटर की, मोस्ट ऑफ चीज़ें वही हैं, इसलिए सुनील को याद था कि खोलना है, मुझे दिखा नहीं था। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके से हमारा जो इंजन है पूरी तरीके से अलग हो गया है, हार्डली आधे घंटे की मेहनत।
गाइस हमने इंजन को निकालने के बाद में जो इसके साइड फ्लैप और पेट्रोल टैंक, रियर फेंडर और जो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, जैसे कि जिसमें CDI थी, कैटलिटिक कन्वर्टर था, EHT थी, ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें से ये करके निकाल दी है। अब साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसका जो एक्सीलेटर ग्रिप थी वो, प्लस यहाँ पर चोक था वो भी लोगों ने यहाँ से पहले से टूटा हुआ था निकाल दिया है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको रखनी नहीं है, कुल मिला के ये सब चीज़ें निकाल देनी। और अब ये सारा मटेरियल निकालने के बाद में एक बार गाड़ी की फिर से थोरो क्लीनिंग जो होती है पूरे फ्रेम की, वो हमें करनी है ताकि जब भी हम वेल्डिंग करें तो हमें अननेसेसरी रेजिस्टेंस ना झेलना पड़े। तो इसके बाद में हम इस गाड़ी को साफ़ करेंगे। उसके बाद में इस कन्वर्जन के अगले पार्ट में हम आपको इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो मटेरियल आपको बताएंगे क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने पूरा जो मटेरियल है TVS Vigo को पूरी तरीके से डिसेंबल कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी डिसेंबल इंजन डिसमाउंट होने के बाद में लगभग जो इसकी एक थोरो क्लीनिंग होती है जिससे कि काम करने में हमको आसानी होती है, वो वाला काम भी हमने इसमें कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद में जो मटेरियल है वो तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन आप में से ऐसे व्यूअर्स, हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके पास में TVS Vigo है और अगर किसी वजह से सर्विस सेंटर या कंपनी से उनको किसी इंजन से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको जो श्रीयानीवीज का जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर अगर इंजन से रिलेटेड स्पेयर पार्ट चाहिए हो तो ही आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर पेट्रोल टैंक या फिर इंजन सेल्फ, बैटरी ट्रे वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो तो आप बेशक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कीजिए। आपको थोड़ी सी जो भी नॉमिनल अमाउंट होता है वो देखे आप इसके स्पेयर पार्ट्स को मंगवा सकते हैं। इन केस अगर आपको सर्विस सेंटर या आफ्टर मार्केट इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो CDI वगैरह, जो रेगुलेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो मिलते हैं फिर हम इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें कन्वर्जन में जो जो मटेरियल यूज़ होगा उसके डिटेल।